राजगंज के नोडीहवा गांव के ग्रामीणों ने गांव में पानी घुस जाने के कारण लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए जर्जर सुराख वाली नाव में बैठकर बंदों पर रहने को मजबूर है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ग्रामीणों की कोई सुध नहीं ले रहा है, राहत के नाम पर पानी तक की व्यवस्था नहीं कर रहा है प्रशासन। हाँ, नहीं यही मछरिया पे गांव में पूरा पानी घुस गया। अरे दादा, खरिया में पूरा पानी हमारे सुरेश बाबू का। शासन प्रशासन के तरफ से खाना वाने का व्यवस्था है कुछ? कुछ नहीं बा, होता भी जिनका लड़का है ना, कल भूजा पानी खाना वाना कहीं बंद लगभग टेवन भर पानी डाल। अच्छा, घरों में? और शासन प्रशासन के तरफ से कोई व्यवस्था, राहत? कुछ नहीं व्यवस्था बा, यह पूरी उड़ी भेजवा दी पूरी। हाँ। कितने लोग बंधे पर होंगे? लगभग 70 आदमी है। 70 आदमी। पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था? कौन व्यवस्था बा, गांव में से आवाला ना इसे। मेरा नाम सुरेश अंसाहनी है, जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 19। यहाँ 6 ग्राम पंचायतें बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें 53 टोले सबके सब मैरून है। जी, 53 टोले की आबादी लगभग कितनी होगी? 53 टोले की आबादी 25 से 30 हजार है। जी, और जिसमें मैं बता दूं कि जितने भी सड़कें हैं जी, सारी सड़कों पर पानी भर गया है जी। जो मेन रोड है यहाँ का, उस पर भी, लिंक मार्ग है उस पर भी जी। और फसलों की बात छोड़ दीजिए जी, फसलें सबके सब नुकसान हो गई है 100%। लेकिन जो घर है सबके घरों में पानी घुस गए हैं। अच्छा, शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ राहत व्यवस्था? किसी तरह की कोई राहत व्यवस्था नहीं है जी। बस एक कर्मचारी को छोड़ करके सारे कर्मचारी, कोई भी मेरे मझार में पैर तक नहीं रख रहा है। अच्छा, ये लोग पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। सब में त्राही त्राही मचा हुआ है, न नाव सही से पहुंच पा रही है, न उनको भोजन और पानी व्यवस्थाएं, सारे नले डूब गए हैं और जनता कोठे पर है। खाने की व्यवस्था में किसी क्या तरह की कोई बात नहीं, प्रधान के द्वारा कुछ हो जा रहा है जी। लेकिन जो बंधे पर हैं जी, उनको शाम के समय एक टाइम कुछ पूरी सब्जी यार चला गया है, यानी 24 घंटे में सिर्फ एक टाइम। अच्छा, लेकिन उसके बाद कहीं नहीं पीने की, पीने के लिए पानी, सारे नले डूब गए। कितना दूर लगभग पानी ले जाने? देखिए, जो सबसे ऊंचे पर है जी, अगर उसका पानी, वो नल नहीं डूबा है जी, तो सब लोग जो मर्द लोग हैं वो तैर करके जाते हैं, कुछ पानी वगैरह ले आते हैं जी। लेकिन तब पर भी सबकी व्यवस्था नहीं हो पाती है जाने के लिए। जानकारी में आ रहा है, मतलब सुनने में आ रहा है कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू करके कुछ लोगों को ले गई है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरे दृष्टि में एनडीआरएफ के खर्चे बहुत ज्यादा है जी, जिसका खर्च कर पाना बहुत कठिनाई है जी, दे पाना। लेकिन एक चीज तो दिक्कत है कि हो सकता है किसी टोले को निकाले हों, लेकिन मेरे दृष्टि में एनडीआरएफ की टीम ने भी कोई विशेष काम नहीं किया है, और वह भी टीम कल चली गई, जबकि अभी पानी सड़कों पर भरा हुआ है, और कुछ कम हुआ है लेकिन एकदम सड़कों पर अभी भी भरा कल, हुआ। कल लगभग एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई है, और उसमें क्या प्रशासन ने क्या किया है? एनडीआरएफ की टीम एसडीएम, तहसीलदार और थाने के पुलिस लोगों को लेकर के वहां पहुंची थी जी, जहां पर मैं भी पहुंचा। सरकारी अहेतु ग्रास देने का कुछ नहीं दिया गया है, लाश को लेकर के पोस्टमार्टम किया गया है जी, जी। उसके बाद ला करके पुनः दाह संस्कार करवा दिया गया जी। लेकिन उसके बाद किसी गांव पर कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी नहीं गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।